खबर राजधानी देहरादून से है, जहां यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले छात्रों और युवाओं का चालान के साथ साथ पुलिस ने अब अभिभावकों को भी समझाने के लिए प्रेरित करने का अभियान शुरू कर दिया है। दरअसल इस अभियान की शुरुआत करने और युवाओं को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने खुद सड़कों पर SSP अजय सिंह उतरे हैं, जिसके चलते पुलिस खुद लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के साथ ही प्रेरित करने कर रही है। बता दें, इस अभियान की शुरुआत करते हुए SSP ने खुद सड़कों पर उतरकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले युवाओं के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। इस दौरान उनके द्वारा मौके से युवाओं के परिजनों से वार्ता कर उन्हें उनके ननिहालों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर अपने जीवन को खतरे में डालने की जानकारी दी। इसके अलावा अपने स्तर से भी बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित किया। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, यातायात व्यवस्था में सबसे जो भी देखा गया विगत दिनों कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हुए यूथ के, जो कहीं ना कहीं रैश ड्राइविंग फास्ट ड्राइविंग को लेकर थे, उसको तो चालान की कार्रवाई थी। इन्फोर्समेंट लगातार पुलिस का चल रहा है। देखा जाए 1200 से ज्यादा लोग का ड्रंकन ड्राइविंग में चालान अभी बात हमने कुछ महीनों में किया है, लेकिन इसके बाद भी उतना इफेक्ट यूथ में नहीं आ रहा था। इसको देखते हुए एक नई पहल सोची गई थी कि जो उनके पेरेंट्स हैं एटलीस्ट उनको भी जानकारी मिले कि उनका बच्चा बिना हेलमेट के या रैश ड्राइविंग करते हुए या ड्रंकन ड्राइविंग में पाया गया। तो चालान की कार्रवाई के साथ साथ मौके पर अब जो चालान करता अधिकारी है उनके पेरेंट्स से, चाहे फादर गार्जियन जो भी हैं, उनसे बात कर रहे हैं और उनको अवगत करा रहे हैं कि आपका बेटा जो है इन परिस्थितियों में यहाँ पर उल्लंघन करते हुए पाएगा, जो उसकी जान के लिए भी घातक है, साथ ही साथ वो अन्य के लिए भी घातक है। और ये रिस्पॉन्स का बहुत पॉजिटिव है। कल 329 पेरेंट्स से बात की गई पूरे इसमें चालान के बाद, और सभी में मोस्टली लोग को जानकारी नहीं थी कि उनका बच्चा बिना हेलमेट के घूम रहा है या रैश ड्राइविंग कर रहा है या ड्रंकन ड्राइविंग में पकड़ा गया है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे इस अभियान को और क्षेत्रों में और लगातार बढ़ाएंगे,